हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 26 जैन 2021। आइए नज़र डालते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। बीएसएफ ने हाल ही में राजस्थान सीमा पर एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? सही आंसर है डी, सर्द हवा। हमारा सही आंसर है डी, सर्द हवा। बीएसएफ ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है राजस्थान की सीमा पे, उसका सही उत्तर है डी, सर्द हवा। अच्छा, अब इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन का उद्देश्य है कि घने कोहरे के कारण जो सीमा में घुसपैठ की घटनाएं जो होती है उनकी जांच करना, ठीक है। और गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन कब से कब तक चलाया जाएगा? ये 21 जनवरी से 27 जनवरी तक चलाया जाएगा। आइए जानते हैं कुछ बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश राकेश अस्थाना और बीएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। बीएसएफ का जो ऑपरेशन चलाया गया है इसका नाम है सर्द हवा। ये किस लिए चलाया गया है? ये घने कोहरे में जो घुसपैठ की जो हर वारदात होती है, घटनाएं जो होती है राजस्थान सीमा में, उस पे कंट्रोल करने के लिए चलाया गया है। कब से कब तक चलेगा? 21 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेगा। और बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना और बीएसएफ का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। हाल ही में उद्यम सारथी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? रिसेंटली उद्यम सारथी ऐप वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप का उद्देश्य है कि राज्य भर के स्वरोजगार राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी देना, ठीक है। और ये ऐप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार और नौकरी से जुड़ी हुई सारी जानकारी देना, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह भी मनाया गया था। कब से मनाया गया था? 24 जनवरी से 26 जनवरी तक ये मनाया जाता है। और इस बार इसका विषय था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसानों, सभी का विकास। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये है मैप में हमारा उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल है लखनऊ। कई बार पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना लागू की गई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना लागू की गई थी। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में लागू किए गए थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मंडूवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। कतन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और गो हत्या अधिनियम में भी संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में थेला बैंक की शुरुआत हुई है। ये थी हमारी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर है 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे भी मनाया गया था। नेशनल
वोटर्स डे। प्रधानमंत्री खुरलसुख उकना और उनकी सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर है ए मंगोलिया। सही आंसर है ए मंगोलिया। प्रधानमंत्री खुरलसुख उकना मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे, अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बातर। उलान बातर। मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं कल्टा मागिनी। कल्टा मागिनी बटुलगा। और मुद्रा है मंगोलियाई क्रोगाक। हाल ही में नरेंद्र लूथर का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? नरेंद्र लूथर का संबंध ए कवि। नरेंद्र लूथर कवि थे और ये हैदराबाद के इतिहासकार भी थे। हैदराबाद के इतिहासकार भी थे। हाल ही में लैरी किंग का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? लैरी किंग का ए रेडियो और टेलीविजन होस्ट थे। इनका एक बहुत ही फेमस शो आता था लैरी किंग लाइव। ये शो इनका बहुत फेमस था और इसी के कारण ये बहुत फेमस हुए थे। आइए देखते हैं कौन थे लैरी किंग। ये थे लैरी किंग। हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की एक दिवसीय सीएम बनाया गया, सृष्टि किस जिले की रहने वाली है? सही आंसर है ए हरिद्वार। सृष्टि बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है और हरिद्वार के रुड़की। रुड़की में दौलतपुर एक गांव है, वहां की रहने वाली है। हाल ही में डीआरडीओ ने एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस मिसाइल का नाम क्या है? सही आंसर है बी आकाश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरता पुरस्कार के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल का नाम क्या है? सी इज द राइट आंसर, रिवैम्प ऑनलाइन पोर्टल फॉर गैलेंट्री अवार्ड। भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस से इथेनॉल बनाने वाला संयंत्र भारत में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा और ये अपने आप में पहला है। विच स्टेट will set up India's first gas to ethanol plant? सही उत्तर है ए महाराष्ट्र। आइए महाराष्ट्र की थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये है महाराष्ट्र, कैपिटल है इसकी मुंबई, मुख्यमंत्री हैं इनके उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? सही उत्तर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। धनीपुर मस्जिद परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में धनीपुर मस्जिद परियोजना की नींव 26 जनवरी को रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, म्यूजियम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इस बार महावीर चक्र किसे प्रदान किया जाएगा? सही उत्तर है कर्नल संतोष बाबू को। कर्नल संतोष बाबू गलवान जो
चीन की घाटी के अंदर जो युद्ध हुआ था, गलवान युद्ध, उनमें शहीद हुए थे। ये हैं कर्नल संतोष बाबू। कल हमने एक सवाल ही में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? और हमारा सही उत्तर था ए, उड़ीसा। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में पंख अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी हमारी 26 जनवरी से लेके सारी जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए डियर मैडम।